नमस्कार, मैं नाजिमा अब्दी और आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस। और अब वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी और अहम खबरों का। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर, कुछ ही देर में करेंगे एक विशाल जनसभा को, साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र भी। हजारों की भीड़ सहित कार्यकर्ताओं ने किया राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोरदार स्वागत। जेपी नड्डा जनविश्वास यात्रा के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर में पहुंचे। कार्यक्रम में बीजेपी कई वरिष्ठ नेता सजीव बालियान, मोहित बेनीवाल सहित हापुड़ बीजेपी के जिलाध्यक्ष और गढ़ और हापुड़ के बीजेपी विधायक भी हैं मौजूद। आलम टाइगर की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और यहाँ पर आज क्या क्या कार्यक्रम किया गया? मेरा नाम दिनेश गर्ग है और आज यहाँ जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में हमारी जन विश्वास यात्रा चल रही है, यह जो यात्रा है आज शाम में हमारे यहाँ गढ़मुक्तेश्वर में पहुँचेगी, उसी के अंतर्गत जन विश्वास सभा का आयोजन यहाँ किया गया है। इसका वैसे मुख्य उद्देश्य क्या है? जो यहाँ पर व्यक्ति पहुँचे हैं उनको क्या बताने का मुख्य उद्देश्य है पार्टी? जन विश्वास सभा का मुख्य उद्देश्य, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लगभग पूरे 4.5 साल में जो विकास कार्य किए हैं प्रदेश भर में, उसका एक रिपोर्ट कार्ड यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कब इस यात्रा का प्रारंभ हुआ था और कब इसका समापन? यह यात्रा 19 जिलों जो हमारे हापुड़ जिले में आ रही है आज, इसका प्रारंभ एक हफ्ते से चल रहा है और अगले 3 दिन में लगभग इसका समापन होगा। और यह जन विश्वास यात्रा आज हमारे गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट में रात्रि विश्राम करेगी। क्या कि जी आज जो ये कार्यक्रम था यहाँ पर, क्या कार्यक्रम था और कौन इस कार्यक्रम में यहाँ पर आए? जी वैसे ये कार्यक्रम जन विश्वास यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की पूरे प्रदेश भर में चल रही है, उसके अंतर्गत ये एक आज सभा थी, जन विश्वास सभा थी। इस सभा को लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी आए थे। अच्छा, तो यहाँ पर जैसे कार्यकर्ता पहुँचे हैं तो कुछ जिम्मेदारी स्थानीय कार्यकर्ताओं को भी दी गई है इस जन यात्रा को सफल बनाने? जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी पूरा संगठन, हापुड़ जिले का पूरा संगठन, विशेषकर गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा का संगठन, इसमें पिछले करीब एक हफ्ते से पूरा लगा हुआ है। स्थान स्थान से बसें, लोग अपने निजी वाहन से, ट्रैक्टर ट्रॉली से, बाइकों से गढ़मुक्तेश्वर नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले स्थानों से। इस यात्रा का उद्देश्य क्या? इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लगभग 4.5 वर्ष के अंदर जो कार्य किया है, उस किए गए कार्य का एक रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में प्रस्तुत करने का उद्देश्य से ये एक जनता के विश्वास को पाने के लिए एक जन विश्वास यात्रा का रूप दिया गया है।